दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि किस तरह हम परसेंटेज जो है वो एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, परसेंटेज इज इक्वल टू द स्टार्ट होगा, ब्रैकेट है, उसके बाद सम ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी ऑब्टेन मार्क्स होंगे उनका सम हमने लेना है पहले, उसके बाद उसको डिवाइड करना है सम ऑफ टोटल मार्क्स, जितने भी टोटल मार्क्स होंगे उसका सम लेंगे, उस पर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 100 पर जो है वो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे मैंने रिजल्ट जो है वो लिए हुए हैं, क्लास के कंप्यूटर के रिजल्ट आए हुए हैं। यहाँ पे क्या करने के हिसाब से पहले हमने इसका सम लेना है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल मार्क्स का। उसके लिए फार्मूला पहले हमने यूज किया हुआ है, इज इक्वल टू लगाएंगे सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी 7 है, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, एंड कहाँ पे हो रहा है, सी 12 पे, ये देखो सी 12 पे जो है वो एंड हो रहा है। उसके बाद हम ब्रैकेट जो है वो क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, सम आ गया, टोटल जो सम है वो हमें मालूम हो गया। यहाँ पे सम ऑफ 10 मार्क्स लेंगे, उसके लिए भी वही फार्मूला, इज इक्वल टू स्टार्ट हुआ, सम स्टार्ट किया डी 7, उसके बाद कॉलन लगाए डी 12, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की, इंटर किया, जो सम है वो 10 मार्क्स का सम भी हमें जो है वो मालूम हो गया। अब हम परसेंटेज जो है वो मालूम करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे सम ऑफ 10 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का सम जो है वो कितने हैं, कौन से सेल्स में है, डी 13 में, ठीक है, डी जो है वो कॉलम है, जो रो है वो कौन सी है, 13 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड का सैंपल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का जो सम है उसका कौन सा एड्रेस है, सी 13, वो आ गया। उसके बाद हम ब्रैकेट जो है वो क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, शेफ्ट प्रेस करके 8 पे हम क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100। उसके बाद एंटर करेंगे, ये देखें परसेंटेज जो है वो हमें मालूम हो गया, ठीक है, 79.66 जो है वो क्या है, परसेंटेज हमारी जो है वो रिजल्ट शो हो गया। बहुत आसान था, सिर्फ हमने फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया है और परसेंटेज जो है वो हमें हासिल हो गई है।